फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इन द गाइज ऑफ क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम इन द गाइज ऑफ को कैसे इस्तेमाल करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। यह टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, अक्सर आप टीवी सीरियल्स में या मूवी में इस तरह की बात सुनते होंगे जहां आप कहते हैं के शक्ल में या के रूप में या के भेष में। अक्सर फ्रेंड्स आप सीरियल में देखते होंगे कि कोई हीरो या हीरोइन अक्सर किसी दूसरे के भेष में आ जाते हैं या उनके रूप में आ जाते हैं। जैसे अरमान इज चीटिंग महक इन द गाइज ऑफ सौर्या, यानी सौर्या के शक्ल में या सौर्या के भेष में या सौर्या के रूप में अरमान महक को धोखा दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें सुनने को मिलता है जहां हम कहते हैं के शक्ल में, के रूप में या के भेष में। तो आइए फ्रेंड्स, इन द गाइज ऑफ का इस्तेमाल सीखें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वह एक डॉक्टर के भेष में था, तो आप कहेंगे ही वॉज इन द गाइज ऑफ अ डॉक्टर। तो फ्रेंड्स, के शक्ल में या के रूप में या के भेष में के लिए आप इन द गाइज ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। रावण साधु के शक्ल में सीता के पास आया, तो आप कहेंगे रावण केम टू सीता इन द गाइज ऑफ अ सेंट। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा के भेष में के लिए मैंने लिखा इन द गाइज ऑफ। दोस्त के रूप में वह पीठ पर वार करने वाला इंसान था, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दोस्त के रूप में यानी इन द गाइज ऑफ अ फ्रेंड वह पीठ पर वार करने वाला इंसान था, तो आप कहेंगे ही वॉज अ बैक स्टेबर। बैक स्टेबर मीन्स होता है पीठ पर वार करने वाला इंसान या पीठ पीछे वार करने वाला इंसान। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा के रूप के लिए मैंने लिखा इन द गाइज ऑफ। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं ही वॉज अ बैक स्टेबर इन द गाइज ऑफ अ फ्रेंड, यानी दोस्त के रूप में के लिए इन द गाइज ऑफ अ फ्रेंड का इस्तेमाल आप सेंटेंस के शुरू में या सेंटेंस के लास्ट में कर सकते हैं। अगर आप इसे सेंटेंस के शुरू में करेंगे तो आपको कॉमा देना होगा। आइए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देखते हैं। तुम भाई के शक्ल में एक फरिश्ता हो, तो आप कहेंगे यू आर एन एंजल इन द गाइज ऑफ अ ब्रदर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इन द गाइज ऑफ का इस्तेमाल शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस लेसन को शानदार तरीके से सीखा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं देख सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।